So let's talk about the treatment and how to find out how to diagnose AIDS, HIV. So, see, HIV के diagnosis में you have to do some test. हमने already देख लिया है कि The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. HIV infection se AIDS hota hai aur HIV infection alag hai, AIDS alag अलग स्टेज है उसकी, आगे चल के बहुत कम लोगों, लेकिन हो जाता है अगर कई लोग ट्रीटमेंट ले लेंगे तो ठीक हो जाएंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो हाउ टू फाइंड आउट इफ़ यू हैव एच आई वी इन योर बॉडी, हाउ टू फाइंड आउट कि आपको एच आई वी है, उसके लिए टेस्ट हैं. देखो, देर आर टेस्ट जो आप कर सकते हैं. दो स्टेप का प्रोसेस है. नंबर वन इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट. स्क्रीनिंग टेस्ट में कई सारे टाइप के टेस्ट हैं जो बेसिकली आपकी बॉडी में एचआईवी वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी या एचआईवी वायरस का एंटीजन ढूंढते हैं, या दोनों ढूंढ सकते हैं. ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट्स हैं. ये किट में भी आते हैं, ये प्रॉपर इसमें भी आते हैं. एचआईवी टाइप 1 टाइप 2 के किट आती है. सो ये किट के थ्रू ढूंढ सकते हैं. ये 30 मिनट या उससे कम में भी आपको रिजल्ट दे देंगे. स्क्रीनिंग टेस्ट, एक बार स्क्रीनिंग हो गया पॉजिटिव तो आपको कन्फर्मेशनरी टेस्ट करना पड़ता है. इसके लिए आपका ब्लड लिया जाता है टाइप 1 टाइप 2 के कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए. सो स्क्रीनिंग एंड कन्फर्मेटरी दोनों टेस्ट अवेलेबल है हॉस्पिटल के अंदर. जब आपका सैंपल लेके करते हैं ज़्यादातर कन्फर्मेटरी टेस्ट करते हैं. होम टेस्ट भी अवेलेबल है किट वाला, जैसे मैंने कहा, जो आप यूज़ कर सकते हैं ब्लड का उसमें ड्रॉप डाल के, तो वहाँ पे लाइन आ जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव के लिए, राइट. और किसको कराना चाहिए टेस्ट एचआईवी का? 15 साल से ऊपर, 65 साल तक बीच में स्क्रीनिंग होनी चाहिए. ये डिपेंड करेगा जिसको रिस्की बिहेवियर है, जो पेशेंट उसको रेगुलर टेस्ट होना, जो प्रेग्नेंट है उसको टेस्ट कराना पड़ता है एचआईवी का, वायरसेस का, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का. जिसकी रिस्की बिहेवियर का मतलब है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, एनल सेक्स करते हैं, या फिर इंजेक्शंस ड्रग्स अब्यूज़ करते हैं, ऐसे सारे लोगों को जो भी ऊपर रिस्क बताए थे उन सब लोगों को अपना ये चेकअप टेस्ट कराने चाहिए. आफ्टर टेस्टिंग, राइट, जिनको एड्स हैं वो कैसे पता चलेगा? ये तो पता चल गया अपने को कि एच आई वी है, एच आई वी 1 एच आई वी 2 क्या है क्या नहीं है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव. उसके अलावा एड्स है कि नहीं है, उसके लिए बेसिकली आपका CD4 टी लिम्फोसाइट काउंट होता है. CD4 टी लिम्फोसाइट सेल काउंट, ये वो सेल्स हैं ये ब्लड के अंदर जो आपके इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने वाले जो मेन हेल्प सेल्स हैं. CD4 सेल्स, वो T4 सेल्स या हेल्पर टी सेल्स बोलते हैं, वन ऑफ द मेन सेल्स. सो T4 या हेल्पर टी सेल्स के काउंट किए जाते हैं. HIV डैमेज करता है इम्यून सिस्टम को और ये CD4 सेल काउंट ड्रॉप कर जाता है बहुत कम. नॉर्मल CD4 काउंट होता है 500 से लेके 1500 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड. मतलब अगर आप ब्लड लेंगे उसको स्लाइड के अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो एक क्यूबिक मिलीमीटर में 500 से 1500 सेल्स दिख सकते हैं. और जिनको HIV हो जाता है, जिनको एड्स हो जाता है, उनके सेल काउंट्स 500 से भी नीचे, मतलब 350 से नीचे गिर जाते हैं. 350 से नीचे सेल्स अगर आ रहे हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर में तो बहुत कम है और आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी. और उससे भी ज़्यादा कम, 200 से नीचे चला गया तो क्रिटिकली मान लीजिए आपको फिर HIV बोल दिया जाता है. 200 से नीचे HIV बोल दिया जाता है, 320 के नीचे ओके. सो HIV है कि नहीं है वो ये डिसाइड करता है ये टेस्ट, CD4 टी लिम्फोसाइट काउंट. इसके अलावा और भी टेस्ट होते हैं, HIV RNA लेवल और वायरल लोड,
ये क्या है कि आपके शरीर में एग्जैक्टली कितने वायरस है काउंट वाइज, तो वायरल लोड देखा जा सकता है और उसने डैमेज कितना किया वो सीडी फोर सेल काउंट से पता चलेगा, राइट, वो हमने देख लिया। और एक रेजिस्टेंस टेस्ट भी होता है ये देखने के लिए कि जो दवा अगर आप दोगे वो एचआईवी वायरस उसके खिलाफ रेजिस्टेंट है या नहीं। उसके अलावा जनरल ब्लड टेस्ट, आपके कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड केमिस्ट्री, यूरिन, लिवर, किडनी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के लिए टेस्ट, VDRL, HCV, HB, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इनके टेस्ट होते हैं। TB, ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट होता है। पैप स्मियर किया जाता है सर्वाइकल कैंसर को रूल आउट करने के लिए। एनल पैप स्मियर भी किया जा सकता है टू रूल आउट एनल कैंसर। यस, दिस इज ऑल्सो डन फ्रीक्वेंटली। सो आपको यही सारे टेस्ट। तो ट्रीटमेंट क्या होगा भैया? टेस्ट हो गया, आप समझ में आ गया, सी HIV है या एड्स है, इट हैज मेडिसिंस। HIV और एड्स ट्रीटेड विद मेडिसिंस, जो क्या करती है मेडिसिन, मेडिसिन आर यूज टू स्टॉप द वायरस फ्रॉम मल्टीप्लाइंग, राइट। This is anti-retroviral therapy, ART, anti-retroviral therapy. पहले जमाने में, in the past, people with HIV infection, उनको anti-retroviral therapy start की जाती थी जब उनका CD4 count drop हो जाता था और उनको HIV के complications शुरू हो जाते। अब HIV treatment recommend किया जाता है सबको जिनको HIV infection दिख गया, चाहे आपके CD4 काउंट नॉर्मल है। सो HIV इन्फेक्शन है, दवाई लो, वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोको, खा बात खत्म। अगर आपने रोका तो आपके एड्स होने के चांसेस कम 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 होते जाएंगे। और आपका होगा रेगुलर ब्लड टेस्ट जिसमें यह देखा जाएगा कि वायरल लेवल, वायरल लोड कितना है आपका, वो कम है, वो सप्रेस करके रखा गया है। तो यही देखना होता है कि वायरसेस आपके बॉडी के अंदर कम से कम रहेंगे, ताकि वो एक लेवल आएगा वो डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे। दिस इज दैट विल बी कॉल्ड एज अनडिटेक्टेबल वायरल लोड। हो सकता है एक दो वायरसेस कहीं हो तो थोड़ा बहुत हमने यहाँ से ब्लड लिया तो वहाँ नहीं डिटेक्ट हुआ। दैट डज नॉट मीन कि आपको बिल्कुल एड्स खत्म, HIV खत्म, आज के बाद कोई चिंता की बात नहीं है, नॉट लाइक दैट। रेगुलर टेस्ट कराते रहना है और CD4 ट्रेंड सेल काउंट भी कराते रहना है। अगर ट्रीटमेंट लेते हुए CD4 सेल काउंट गिर रहा है, इसका मतलब ये है कि मतलब अगर आपका ट्रीटमेंट लेने से पहले CD4 सेल काउंट गिर चुका है काफी हद तक, तो ट्रीटमेंट लेने के बाद CD4 सेल काउंट बढ़ने लगेगा। और जैसे जैसे आपकी ट्रीटमेंट सही चलती है, इम्यून सिस्टम रिकवर करता है, तो आपके HIV के कॉम्प्लिकेशंस कम होने लगते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड HIV's ट्रीटमेंट विद योर डॉक्टर, बैठ के डॉक्टर के साथ दवाइयों को समझो। बहुत सारी दवाइयां नहीं हैं, लेकिन आपको रेगुलर खानी होगी। और देखिए, एक पर्सन जिसको HIV इन्फेक्शन हो चुका है, एड्स हो चुका है, वो एक हेल्दी और नॉर्मल लाइफ जी सकता है बिल्कुल आराम से। और याद रखिए, आज के डेट में जो ट्रीटमेंट है वो एक एक HIV के वायरस को आपके शरीर से नहीं निकाल सकता, वो ट्रीटमेंट रेप्लिकेशन रोक देते हैं। तो HIV के वायरसेस आपका शरीर खुद मारने लगता है, एंड आफ्टर वाइल इट्स पॉसिबल कि अनडिटेक्टेबल हो जाए। फिर भी देयर माइट बी सम वायरसेस फिर भी बचे रह सकते हैं। सो ये आपको मेडिसिन तब तक काम करेगी जब तक आप उसे रोज लोगे, वेरी वेरी। अब जब आप मेडिसिन स्टॉप कर देते हो, फिर वायरस लोड बढ़ने लगता है और CD4 काउंट कम होने लगता है। सो मेडिसिंस को रेगुलरली लेना पड़ता है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप इरेगुलरली लोगे तो वायरस फिर म्यूटेट होके इवन रेजिस्टेंट हो सकता है और आगे चल के आप पे दवा का असर भी बंद हो सकता है। सो याद रखिए, जिनको जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनको HIV है या आगे चल के पता चले, अपने डॉक्टर से रेगुलर टच में रहें, दवाई खाते रहें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर लाइफ। सो प्रिवेंट कैसे करना है? रेगुलर टेस्ट करवाइए, गेट टेस्टेड विद फॉर HIV, डू नॉट यूज इलीगल ड्रग्स, सीरिंजेस, अपने उल्टे सीधे काम नहीं करने। कभी भी आपको कोई सुई लग रही है तो मेक श्योर करें वो नई सुई है, डिस्पोजेबल है, यूज होके थ्रो हो जाए। कोई भी पर्सन के ब्लड से कॉन्टैक्ट मत करो, राइट। मास्क, क्लोथ,
या ग्लव्स, मास्क, गॉगल्स ये सब जरूर पहने। अगर कहीं ब्लड से आपको टच करना पड़ रहा है, अगर आपको एचआईवी पॉजिटिव आता है तो याद रखो ब्लड डोनेट नहीं करना है कुछ भी किसी भी प्रकार का, और सेक्स के समय कॉन्डम जरूर पहनना है। एचआईवी पॉजिटिव मदर है तो बच्चे के लिए एक एचआईवी हो सकता है, इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है। तो आपको एंटीवायरल थेरेपी प्रेगनेंसी के दौरान दी जा सकती है, और ब्रेस्ट फीडिंग भी आपको मना करी जाएगी क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में भी वायरस जा सकता है। और सेफ सेक्स प्रैक्टिस करनी है। अगर सेक्स कर रहे हो बाहर या आप कहीं और मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो लेटेक्स कॉन्डम अच्छे से यूज करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर द कॉन्डम एंड मेक श्योर इट इज नॉट गेटिंग टोर्न, फट नहीं रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी का एक्सपोजर हो जाता है एचआईवी से, एक्सीडेंटल एक्सपो, कई लोगों को लगता है कि पता नहीं मेरा कहीं हो गया हॉस्पिटल सेटअप में, तो उनको एंटीवायरल मेडिसिन दी जा सकती है राइट अप इमिडिएटली आफ्टर एक्सपोजर, 3 दिन के अंदर अंदर वो आपके एचआईवी के इन्फेक्शन के चांसेस और कम कर देंगे। दिस इज कॉल्ड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, पीईपी, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। ये प्रिवेंट करता है आपके जितने भी एचआईवी अगर आपके बॉडी में चले गए उसको मल्टीप्लाई होने से, वहीं के वहीं खत्म हो जाने से। ये हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ को अगर कोई नीडल इंजरी हो जाए, कहीं काम करते हुए किसी और का नीडल ठुच जाए, तब उनको दिया जाता है। उसका भी एक प्रोटोकॉल है, पीईपी, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस। सो दिस इज ऑल अबाउट एचआईवी वायरसेस व्हिच यू नीड टू नो। अगर कुछ नहीं समझा तो वापस देखो, और कोई सवाल है तो पूछिए, जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी।